मेरठ कर्नल आरपी सिंह केंद्र की ओर से एक एग्जीबिशन मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले में करवा चौथ और दीपावली त्यौहार के जरूरतमंद सामान के स्टॉल लगाए गए। जिन स्टॉलों पर केंद्र से सीखी लड़कियों ने अपने अपने सामान की प्रदर्शनी दिखाई, वहीं एग्जीबिशन में केंद्र से सीखी लड़कियों ने आई महिलाओं के हाथों में मेहंदी भी लगाई। तो वहीं निधि सिंगल ने बताया कि इस एग्जीबिशन में जो स्टॉलों पर सामान लगाया हुआ है वह सभी इस केंद्र से लड़कियों ने सीखा है और अपना हुनर दिखाया है। हमारे केंद्र में गरीब लड़कियों को सिलाई, ब्यूटिशियन और मेहंदी का कोर्स कराया जाता है और लड़कियों को आगे बढ़ने का हुनर दिया जाता है। मेरठ से द भारत टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं निधि सिंगल। मैम, आज आपके केंद्र पर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हमारे केंद्र पर जो है बच्चे मेहंदी का कैंप लगाया हुआ है और बच्चों ने जो अपने वेस्ट मटेरियल से बैग वगैरह तैयार करे वो सब अरेंज किए हैं और करवा चौथ के लिए बच्चों ने कलश और दीपक वगैरह तैयार किए हैं, उन सबकी ही एग्जीबिशन लगाई है। लगाने का पर्पस है बच्चों को प्रमोट हो, बच्चों को उनको लगे कि हमने मेहनत करी है तो लोगों को पता चले, क्योंकि ये यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ये बहुत ही लोअर उसमें आते हैं, उनको करना बहुत कुछ है बट कर नहीं पाते किन्हीं कारणों से, तो उनको प्रमोट करने के लिए हमने और हमारी टीचर्स ने और हमारे स्कूल ने ये संस्था चलाई है। कितने दिवसीय एग्जीबिशन लगाया गया? कितने दिन का एग्जीबिशन? एक दिन की है ये, आज सुबह से शाम, क्योंकि कल करवा चौथ है, कल तो सब बिजी हो जाएंगे, और कल थी 15-16, दो दिन लगा। लगभग कितनी लेडीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? 50 लोगों ने करा है।